वाला ट्रीटमेंट का क्या पर्पस रहता है? ये एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारी नीडल्स रहती हैं, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा रोल करते हैं सरफेस के ऊपर स्किन के, तो ये काफ़ी ज़्यादा चैनल्स क्रिएट कर देता है, यानी कि हम स्किन की पंचरिंग से हेल्प लेते हैं। जब हम स्किन को पंचर्स करते हैं वेरियस डायरेक्शंस में, जो कि हम हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, डायगनली हम लोग ये डायरेक्शंस लेते हैं, तो बहुत अच्छे से एक चैनल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जब हम लोग ना उसमें उस दौरान पे सीरम्स यूज़ करते हैं, तो वो टॉपिकल एप्लीकेशंस की बजाय फास्टर काम करती हैं, टू लिफ्ट अप द स्किन, टू रिमूव स्कार्स एंड टू रिजुविनेट द स्किन। एंड जब हम लोग उसको बार बार उसको रोल कर रहे हैं, तो काफ़ी रेडनेस और स्वेलिंग होती है, क्योंकि हम स्किन पे चोट दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उस एरिया की ब्लड सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो दैट यू नो कॉल्स ऑल द हीलिंग फैक्टर्स एंड ग्रोथ फैक्टर्स टू दैट एरिया। तो विद इन लाइक फ्यू डेज आपकी स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, स्कार्स एकदम से आपके फेड आउट हो जाते हैं, एंड स्किन को बहुत अच्छी एक लिफ्टिंग मिलती है। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वट ऑल कॉकटेल सीरम्स वी आर यूजिंग एंड फॉर वट इंडिकेशन वी आर यूजिंग, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंडिकेशन जहाँ पे हम लोग ये ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। जैसे फ्रेश एक्ने स्कार्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, स्किन रिजुविनेशन में करते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन में भी कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर डर्मा रोलर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, एंड अदरवाइज एंटी एजिंग में दिस गिव्स अ गुड लिफ्ट। सो ये सारे इंडिकेशंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो स्पेसिंग करते हैं ट्रीटमेंट्स की, 20 डेज की, 3 वीक्स का टाइम रहता है, एंड वी कैन रिपीट द सेशन अकॉर्डिंग टू किस अप्रोप्रिएट एक लेवल तक हमने कोई अपना टारगेट अचीव करना है। इसका कोई बहुत ज़्यादा डाउन टाइम भी नहीं होता, दिस हैज़ मिनिमल डाउन टाइम, एंड 2-3 दिन आपका स्किन एक रफ़ टेक्सचर में जाती है, बिकॉज हम लोग स्किन के सेल्स को ही डैमेज करके उसको रिफॉर्म कर रहे हैं, तो जो आपकी नई स्किन आती है, तो दैट हैज़ लाइक वेरी स्मूद एक अपियरेंस देती है, एंड ऑल्सो रीलेवल हो जाती है, एंड जो स्कार्स हैं वो आपके एक लिफ्टिंग में हेल्प मिलती है। थैंक यू।